नमस्कार, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के नौवे और आखिरी दिन के बारे में। नवरात्रि पर देवी माँ की नौवीं तिथि पर उपासना का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। नौवीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर आठों सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण ने एक तेज के द्वारा एक देवी उत्पन्न की। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी आठों सिद्धियां देकर उन्हें पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है।